आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का फेवरेट चोको पाई। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 1/3 कप मिल्क पाउडर और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच कंडेंस मिल्क और इसको मिला के मुझे एक गाढ़ा सा क्रीमी मिक्सचर बनाना है। थोड़ा सा और कंडेंस मिल्क मुझे डालना है इसमें। ये देखिए इस तरह से हमें चाहिए। तो ये रेडी है, इसको मैं साइड में रख दे रही हूँ। ये हमने लिया है कंपाउंड चॉकलेट, ये है डार्क चॉकलेट और ये है मिल्क। तो इसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करके दोनों बनाऊंगी। तो ये हमने दोनों का आधा आधा ले लिया है, 100-100 ग्राम का ये डार्क ले लिया है, ये मिल्क ले लिया है। अभी इसको हमें छोटा छोटा काट लेना है। तो बस चाकू की मदद से इसको हम काटते जाएंगे। तो ये देखिए मैंने डार्क और मिल्क दोनों चॉकलेट काट लिया और दोनों को एक बाउल में ले लिया है। तो मैं अभी इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके तैयार कर लिया है। चलिए अभी हम बनाते हैं लोटी चोको पाई। और ये मैंने लिया है 1 पैकेट मारी बिस्किट और ये मैंने जो मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर बना के रखा था ये है। तो अब मैं 1 बिस्किट लूँगी ये और इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर लेके पूरा अच्छी तरह से फैला देना है हमें। फैला के इसको और ऊपर से 1 बिस्किट लेके इसको हमें ऐसे दबा देना है। ये देखिए अब इसी तरह सारे बिस्किट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारा बिस्किट तैयार कर लिया है। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है। अब ये मैंने ले लिया है 2-3 चम्मच नटेला चॉकलेट। अब मैं ले लूँगी एक और बिस्किट और इसके ऊपर से थोड़ा सा ये चॉकलेट स्प्रेड लगा देंगे हम। स्प्रेड लगाने के बाद ये जो हमने तैयार करके रखा है इसके ऊपर से लगा के इसको ऐसे। ये देखिए कितना बढ़िया इसका लेयर दिख रहा है। देखिए तो ये देखिए सब में हमने लगा लिया है। ये देखिए डबल लेयर दिख रहा है इसका। अब इसको हमें रखना है 5 मिनट के लिए फ्रिज में। तो ये देखिए बिस्किट हमारा जम चुका है। 5 मिनट मैंने इसको फ्रिज में रखा। तो चलिए अभी फटाफट बना लेते हैं। ये हमने जो चॉकलेट मेल्ट करके रखा था वो है। बस इसमें डालूंगी मैं 1 बिस्किट और इसको ऊपर से कवर कर लेंगे अच्छे से। और बस इसको फोक की मदद से निकाल के ऐसे थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है। और ये मैंने बटर पेपर लगा के एक प्लेट में रख लिया है पहले से, थोड़ा सा ऑयल लगा के। अब इसी में मैं निकाल के रखती जाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सारी चोको पाई बना के रेडी कर ली है। अब इसको हमें 5 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में रखना है, थोड़ा सा सेटल हो जाए फिर आपको काट के दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया, मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। बहुत ही यम्मी दिख रहा है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये देखिए आप। तो ये देखिए अंदर से दिख रहा है ना बिल्कुल मार्केट के जैसा। आप इसी तरह इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए और काफी लंबा टाइम तक इसको खा सकते हैं, खराब नहीं होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।